बेटे की मौत के बाद बहन और पिता ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर एलआईसी बीमा कंपनी से निकाले 10 लाख। पत्नी की शिकायत के बाद ननंद और ससुर के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में किया था प्रकरण दर्ज। देर रात पुलिस ने ननंद और ससुर को किया गिरफ्तार। दरअसल मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां कोरोना के दौरान पवन मिथिली की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद बहन जयंती और पिता रमेश द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर एलआईसी बीमा कंपनी में फर्जी दस्तावेज लगाकर मृतक पवन मिथिली के 10 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। जब जानकारी पत्नी सारिका मिथिली को लगी तो घटना की शिकायत थाने पर की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। दोनों ही आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। देर रात पुलिस ने ननंद और ससुर को रमेश को गिरफ्तार किया है। हमारे यहाँ विजयनगर थाने में एक 485/23 प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, 427/67/71 धोखाधड़ी का, जिसके तहत हमारे द्वारा एक आरोपी जो फरार चल रही थी जयंती, उसकी गिरफ्तारी की गई है। और इनके द्वारा जो शिकायत फरियादिया के द्वारा की गई थी, पॉलिसी के जो पैसे थे वो पत्नी को मिलने थे पति की कोरोना में डेथ होने के बाद, लेकिन इनने कुछ दस्तावेजों में हेराफेरी करके इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी के पूरे पैसे 10 लाख रुपए निकाल लिए थे। इसी बात पर से फरियादिया ने अपने ससुर और ननद पर प्रकरण पंजीबद्ध कराया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हमारे द्वारा की जा रही थी। ये लंबे समय से आरोपी फरार चल रही थी, जिसकी गिरफ्तारी आज हमारे द्वारा की गई। इंदौर, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति को बेरहमी से ईंटों से वार कर उतारा मौत के घाट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ घटना का खुलासा। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार, प्रेमी की तलाश में जुटी पुलिस। घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र की है, जहां ग्राम बद्री काकड़ में रहने वाले 32 वर्षीय कनीराम चौहान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिजन मृत अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भिजवा दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर अंदरूनी चोट के निशान थे, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। बताया जा रहा है पुलिस को संदेह उसके बाद पत्नी मनीषा उर्फ मुन्नीबाई से शक्ति से पूछताछ करने पर घटना का खुलासा हुआ, जहां अपने प्रेमी बबलू के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने के लिए ईंटों से सर पर वार कर कनीराम को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी मनीषा उर्फ मुन्नीबाई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी बबलू फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। ये थाना बाणगंगा पे 14 जुलाई 2023 को एक अरविंद हॉस्पिटल से मर्ग इंटीमेशन प्राप्त हुआ था। उसमें मृतक जो था कट्टू कनीराम चौहान, ये बर्दरी कांकड़ पे रहने वाला है। इसको परिजन हॉस्पिटल मृत अवस्था में लेके आए थे, जो घर पे खटिया पे सोता हुआ उनको मृत मिला था। और प्रथम दृष्टया जब जांच की गई तो उसमें मृतक के शरीर पे कोई चोटें वगैरह भी नहीं थी, और ऐसे जाहिर चोटें नहीं थी, तो परिजनों के द्वारा भी कोई शंका व्यक्त नहीं की गई थी। इसका पीएम करवाया गया अरविंदो हॉस्पिटल में, और जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई तो पीएम रिपोर्ट में मृतक को हेड इंजुरी थी, मल्टीपल हेड इंजुरी थी, और फ्रैक्चर वगैरह भी थे, और हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से उक्त चोटों को आना डॉक्टर ने लिख किया था। उक्त आधार पर संदेह व्यक्त हुआ कि मृतक की मृत्यु जो है वो किसी के द्वारा सर में कुछ चोट कर मारने से पहुंचाई गई, ऐसा पाया गया। उस पर से पुनः मृतक के परिजनों को तलब किया गया और उनसे सख्ती से भी पूछताछ की गई। अंततः मृतक की जो पुत्री है सुनीता, उसके द्वारा बताया गया कि इसकी जो मृतक की पत्नी है मन्नूबाई उर्फ मनीषा, ये अक्सर कभी कभी फैक्ट्री से लेट आती थी, तो इस बात पे से पति के साथ में उनका झगड़ा होता था। और घटना दिनांक एक दिन पहले भी जब ये लेट आई रात में, तो इनका झगड़ा हुआ, और ये जो मृतक की पत्नी है इसने एक सिर पे ईंट की इसको मृतक को मारी थी, जिससे ये थोड़ा सा बेसुध सा हो गया था। उसके बाद फिर रात्रि में सो गया। अगले दिन जो मृतक की पत्नी है, इसका प्रेमी है बबलू, वो आया और दोपहर में करीब 12-1 बजे इन दोनों ने मिलके पुनः उसके साथ में मारपीट की, और जो मृतक जब खटिया पे सो रहा था तो मृतक की पत्नी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उनके प्रेमी ने उसके सर पे पुनः ईंट वीट की मारी। और